हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। उनका नाम है नकुल वर्मा। ये खुद के गेम के ऊपर काम कर रहे हैं। काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, काफ़ी मुझे लगा कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड मैं देता हूँ अभी नकुल को खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो नकुल, हाय, जस्ट आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो? हाय गाइस, हाय निखिल। फर्स्टली थैंक यू मुझे इस चैनल पे आने के लिए। एंड हाँ, सो लाइक यू हैव सीन मेरा गेम, एक अभी मैं, दिस इज माय फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट एंड मैं अभी रिसेंटली इंडी डेवलपर टर्न हुआ हूँ। लाइक इससे पहले आई हैव बीन अ प्रोफेशनल डेवलपर सिंस द लास्ट 5 ईयर्स। एंड दिस गेम, दिस वॉज लाइक मेरा जो फर्स्ट पहला ड्रीम था, लाइक माई बिग फर्स्ट ड्रीम गेम। लाइक मैंने छोटे मोटे गेम बना रखे इससे पहले एंड कैजुअल गेम, आर्केड गेम एंड ऑल, बट दिस वाज वन ऑफ द ड्रीम गेम जो होता है कि कभी टाइम मिले अच्छे से फुर्सत में बनाओ। तो इट्स बीन 5 ईयर्स एंड इस गेम को बनाते हुए मुझे 8 मंथ्स हो गए एंड अभी आई हैव फुली टर्न इंडी एंड मेरा सारा फोकस अभी इसी गेम पे है। आपका मतलब मोटिवेशन क्या था गेम डेवलपर बनने के लिए? हाँ, तो लाइक मोस्ट चिल्ड्रेन, मैं बचपन से मुझे गेम बहुत अच्छे लगते थे। राइट, एंड तो एज आई मेच्योर्ड, एज आई ग्रू अप, मुझे यही हो गया कि गेम्स एक अच्छा एस्केप रूट होता है, नॉट जस्ट लाइक एस्केपिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, बट तुम्हारी एक क्रिएटिव माइंड भी अच्छा रहता है एंड रिफ्लेक्सेस भी अच्छे रहते हैं, सब कुछ, मतलब इट्स अ वेरी गुड रिवॉर्डिंग थिंग। तुम कोई एक्शन कर रहे हो, वो रिवॉर्ड हो रहा है। एंड फिर मैं इंजीनियरिंग में गया था, तो आई चोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिसीजन था वो भी इसीलिए था बिकॉज ऑब्वियसली बचपन में प्रोग्रामिंग तो आती नहीं थी, तो वो डिसीजन था भी इसलिए बिकॉज बचपन में गेमिंग हार्डवेयर पे मेरा इंटरेस्ट होता था, तो सोचा था ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, गैजेट्स ना लेंगे, कॉन्सोल होंगे। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ पता चला ऑब्वियसली कॉन्सोल्स एंड ऑल पे काम करना तो अभी है नहीं अपने बस की, तो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैंने फिर गेम डेवलपमेंट देखा एंड देखा, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द गेम इटसेल्फ, तो देखा वो कितना रिवॉर्डिंग फील्ड है। लाइक व्हेन यू वर्क ऑन समथिंग and you can instantly get the reward when you see the game being played and you are doing something and you are getting a gratification, to wo right. motivation mera hamesha se ki ek acha game banana hai badhiya jo mujhe bhi khelne mein mazaa aaye badhiya। aur aap ye aapka ye sapna pehle se hi raha hai ki bachpan se hi ki mujhe game developer hi banna hai ya fir kuch aur banna chahte the aur beech mein raste mein aise game developer? bachpan se aisa tha ki ha gaming mein jana hai, exactly ye nahi tha कि हार्डवेयर इंजीनियर बनना है या गेम डेवलपर बनना है या गेमर बनना है, ऐसा डिफाइंड नहीं था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती रही एंड इंटरेस्ट आया प्रोग्रामिंग में, फिर प्रोग्रामिंग ट्राई करी, फिर गेम डेवलपमेंट ट्राई करा, तो लगा कि हाँ यार ये दिस इज माय कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नेचुरल है, मतलब मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती बनाने के लिए। बढ़िया। और कुछ आप बता सकते हो आप अपने गेम के बारे में? मैंने उसका डेमो देखा, आपने वीडियोस पोस्ट की थी वो ग्रुप में, इंडी गेम कल्ट, राइट? सो वो मेरे को देख के काफी एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगा एंड मुझे लगा कि यार ऑब्वियसली हमने मैंने शैडोमैटिक देखा था, मारियो खेला है, बट शैडोमैटिक और मारियो अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों को कॉन्सेप्ट को मर्ज करके आपने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, तो आप बता सकते हो उसके पीछे मोटिवेशन क्या था? हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्रिस्प डेफिनेशन दिया तुमने आपने शैडोमैटिक और मारियो। तो इसका जो प्रीमिसेस था वो ये था कि मैंने ऐसी कभी रैंडमली थॉट आया था मुझे कि शैडोस एक गेम, शैडोमैटिक एंड लिम्बो एंड इन सब गेम से मैं काफी इंस्पायर था। लाइक लिम्बो एक ऐसा गेम था जो जिसने मुझे बहुत इंस्पायर करा था, मतलब उस गेम को खेल के मुझे एक्चुअल ड्रीम आई थी कि किस टाइप का गेम मुझे बनाना है, एक ऐसा गेम जो कि तुम्हें थोड़ा प्राउड फील हो एज अ गेमर टू प्ले दैट गेम, नॉट जस्ट एज अ गेम डेवलपर बट एज अ गेमर कि हाँ यार मैंने ये गेम खेला है एंड आई लव्ड इट, आई एम ग्लैड आई प्लेड दिस गेम। तो लिम्बो में भी एक थोड़ी डार्क सी हो रहा थी एंड मिनिमल सा हो रहा था एंड पजल्स थे, है ना, एंड ये फिर बस उसी इंस्पिरेशन के साथ बस एक रैंडम आइडिया आया था मुझे कि शैडोज पे क्यों नहीं हम प्लेटफॉर्म कर सकते थे, बस एक रैंडम सा आइडिया था, कुछ इस पर कुछ किसी थॉट प्रोसेस नहीं था नहीं था। फिर प्रोटोटाइपिंग करी उसकी, थोड़ी सी ट्राई करा एंड ये एज एन ये जो गेम है, हाँ तो आई विल टेल यू अबाउट द गेम इटसेल्फ। सो इन द शैडोज इज अ पजल प्लेटफॉर्म दैट इज बेस्ड एंटायरली ऑन शैडोज ऑब्वियसली। तो इसमें क्या है, इसमें आप एक कैरेक्टर हो एंड आपको जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है उनकी शैडोज को यूज करके अपने शैडो वर्ल्ड में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो पजल वाला एस्पेक्ट ये है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है टू प्लेटफॉर्म योर वे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए बैकग्राउंड में एक वीडियो भी डाल देता हूँ आपके गेम प्ले का, तो वो भी देख सकते हैं कि आपका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है।
सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा के पूरा शेडोज के ऊपर ये पूरा लेवल बना रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग है. मेरे को नहीं लगता कि आपने कहीं और ऐसा गेम प्ले देखा होगा. आई डोंट थिंक राइट. आई मीन आपका जो गेम है इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. तो मैं थोड़ा बताता हूँ. जैसे एक गेम था, मैंने जब मैंने प्रोटोटाइप बनाया था ना उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च करा था इस आइडिया पे कि ये कोई आइडिया पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है. तो द क्लोजेस्ट गेम दैट आई सॉ वाज कॉन्ट्रास्ट. तो कॉन्ट्रास्ट हाँ, तो वो 2013 का गेम है शायद से. उसमें क्या है, उसमें तुम 3D वर्ल्ड से 2D वर्ल्ड में शिफ्ट करते हो, लाइक 3D वर्ल्ड से शैडो वर्ल्ड में शिफ्ट करते हो. तो जैसे यू आर अ रियल पर्सन एंड देन यू इंस्टेंटली शिफ्ट फ्रॉम द रियल पर्सन टू योर शैडो एंड तुम फिर शैडो में मूव कर सकते हो. बट ऐसा टाइप का कोई एग्जैक्ट गेम कोई भी नहीं था एंड इसलिए मैंने सोचा कि हाँ यार इस पे थोड़ा काम करना चाहिए. बढ़िया यार. और जितना आपने काम किया है, इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक इस आइडिया के बारे में बात किया, एक्चुअली आपने उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया है, उसका एक वर्किंग डेमो बनाया है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है. यू नो, क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में आइडिया रहता है बट वो कभी एग्जीक्यूशन तक पहुंच नहीं पाते. सो उसके लिए मेरी तरफ से आपको सबसे बड़ा बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया. एंड आई होप आपको ये आपके गेम को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले. बट इससे मुझे अभी अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने बोला कि आपको बचपन से आइडिया था कि आपको गेमिंग में आना है. एंड जनरली इंडिया में अगर आप बोलो कि मुझे गेमिंग में आना है तो हमेशा हर एक का एक ही सवाल रहता है कि आपके पेरेंट्स का क्या राय था इसके बारे में. सो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो कि क्या सपोर्ट था या फिर क्या अपोजिशन था? हाँ, तो एज सच मेरी लाइफ में कभी कोई अपोजिशन नहीं आया. एंड हाँ, आई नो पेरेंट्स का हमेशा ऐसा होता है कि यार ये कोई फील्ड है या नहीं है, ऐसे एक डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं. तो बट द ट्रूथ इज दैट बचपन में तो हमें भी क्लियर नहीं होता था ना कि गेमिंग क्या होती है. मतलब मैं खुद कंफ्यूज था, मैं गेमर बनना चाहता हूँ या गेम टेस्टर बनना चाहता हूँ. बचपन में तो ये भी अच्छा लगता था आइडिया कि यार यू जस्ट प्ले गेम्स एज अ गेम टेस्टर एंड तुम्हें उसके पैसे मिलते हैं. दैट ऑल्सो साउंडेड कूल बचपन में. बट फिर उसके बाद लाइक अगर आपको कुछ भी गेमिंग में जाना है तो पहले आप खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ आई वॉन्ट टू बी अ गेम डेवलपर, आई वॉन्ट टू बी अ गेम डेवलपर लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी अ गेम डिजाइनर. एंड तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो तुम पेरेंट्स को बता सकते हो कि देखो मुझे ये आता है एंड आई एम गुड एट दिस एंड इसकी अपॉर्चुनिटीज है. मतलब अब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें एग्जैक्ट बिल्कुल 100% ट्रूथ बताने की जरूरत नहीं है ना कि मतलब इंडिया में थोड़ी कम है एंड बाहर ज्यादा है. तुम बता दो कि इंडिया में भी है, थोड़ा ग्रो हो रहा है एंड ऑल दैट. बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है तो पेरेंट्स ऑपोजिशन नहीं आता है. मुझे भी नहीं आता. एग्जैक्टली. मतलब एक बार आपके जेब में पैसे आने लग गए उसके बाद आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स को कुछ भी अपोजिशन होगा. आई थिंक सबसे बड़ी बात आपने जो बोली, पेरेंट्स को पता नहीं है कि ऐसी भी फील्ड है. सो आई थिंक दैट इज अ बिग की लैक ऑफ एजुकेशन है फील्ड के रिलेटेड. लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, जो भी हो सकता है. सो इसके बाद मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि आपने गेम डेवलपमेंट सीखा कैसे? हाँ, तो लाइक आई टोल्ड कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था वैसे, है ना. हाँ. तो प्रोग्रामिंग वॉज नॉट आर लाइक नॉट इन आर करिकुलम. प्रोग्रामिंग थोड़ा हार्डवेयर प्रोग्रामिंग एंड ऑल थी बट प्रॉपर कोडिंग नहीं थी. तो आई डोंट रिमेम्बर वैसे क्यों मैंने करा था. शायद से ऐसे ही बस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए करा था. बट मैंने एक C++ का कोर्स करा था अपने सेकेंड ईयर में. एंड फिर थर्ड ईयर में आते आते मुझे वो हो गया था कि यार प्रोग्रामिंग आ गई, अब तो अब गेम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. तो मैंने इंटर्नशिप में क्या करा था, इंटर्नशिप में मैंने अपनी इंटर्नशिप मेरी 1 बजे फ्री होती थी, जो मेरे कॉलेज में 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती थी. तो उस टाइम में इंटर्नशिप से आके हमेशा यूनिटी के ट्यूटोरियल्स पढ़ता था एंड मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना होता था उसमें. तो आई यूटिलाइज दोस 3 मंथ्स ऑफ माय लाइफ लाइक वेरी जुडिशियसली. मैंने यूनिटी सीखा था एंड काफी मतलब काफी बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट बनाया था उसमें मैंने 3 मंथ. लाइक इट वॉज अ ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बट इट वॉज अ वेरी गुड लेवल प्रोजेक्ट. सो उससे मुझे मतलब काफी स्किल्स आ गई थी उस 3 महीने के टाइम में, मुझे काफी स्किल्स आ गई थी. उसके बाद तो इट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी लाइक लर्निंग कर्व. सो अगर मैं गलत नहीं है तो आपने गेम डेवलपमेंट खुद से सीखी, कई कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गए आप? कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गए, राइट? एंड आई थिंक कोई आप मैसेज देना चाहोगे किसी को कि जो जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं गेम डेवलपमेंट? बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन आता है कि निखिल मुझे ये बताओ कि इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है, क्या इंस्टीट्यूट में से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? So, आपके थॉट्स क्या है इसके ऊपर? गेम डेवलपमेंट किसी को अगर सीखना है तो वो कैसे सीखे? हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे भी रिलेटिव से या फिर छोटे भाइयों से आता रहता है हमेशा. तो इसका रियलिटी ये है कि मतलब कुछ भी चीज हो, जैसे नॉट जस्ट गेम डेवलपमेंट, तुम्हें किसी और चीज में भी जाना है, जो कॉलेज का टाइम होता है ना, दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू लर्न एंड मेक अ प्रोजेक्ट. तो जो मैंने ज्यादातर देखा है इन डेवलपर्स एंड इन पीपल, दे
they try to learn, उनको ठीक है मुझे सीखना है सीखना है, but they never try to finish their project. अब मुझे याद है फोर्थ ईयर कॉलेज के फोर्थ ईयर में मैंने अपने एक प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करा था, देन फ्रॉम बिल्कुल स्क्रैच टू द पब्लिशिंग एंड डॉट गूगल प्ले. तो उसमें मुझे काफी टाइम लगा था, एंड उस प्रोसेस में मतलब मुझे इतनी स्किल आ गई थी कि एज अ फ्रेशर आई स्टूड आउट, बिकॉज नो लाइक वेरी रेयरली तुम्हें फ्रेशर कोई ऐसा मिलेगा जो गेम बना चुका होता है पहले से कम्प्लीट. राइट, एक तो टिप ये है कि हाँ फिनिश, मेक अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एंड फिनिश, लाइक नो मैटर व्हाट, तुम गूगल करो, तुम लोगों से हेल्प लो, तुम लोगों का कोड चुराओ, कैसे भी करो, बट तुम प्रोजेक्ट बनाओ स्टार्टिंग. और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम्हें थोड़ा खुद का सेंस अच्छा होना चाहिए, एज इन लाइक तुम ऐसे गेम बनाओ जो तुम खुद खेलना चाहो, नॉट जस्ट जैसे आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ गेम डेवलपर्स इन इंडिया, वो बहुत सारे एज इन रॉ ग्राफिक्स एंड रॉ डिजाइन वाले गेम बना देते हैं, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू रिलीज इट, दे जस्ट वॉन्ट टू फिनिश इट. बट तुम खुद से पूछो कि लाइक इफ यू वर द गेमर एंड नॉट द गेम डेवलपर ऑफ दैट गेम, वुड यू योरसेल्फ प्ले इट? तो वो मुझे सबसे ज्यादा लैकिंग लगता है इंडियन सीन में. और ओवरऑल आपको अगर हम देखें इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में, सो कौन सी गेमिंग कंपनी आपकी फेवरेट है ऐसे? अच्छा, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में, हाँ लेट मी थिंक. अभी मुझे जो पता चला है रिसेंटली, एक सुमो डिजिटल आई है पुणे में. तो सुमो डिजिटल, लाइक एज फार एज आई नो, सुमो डिजिटल इज द ओनली ट्रिपल ए गेमिंग कंपनी इन इंडिया दैट ऑल्सो हैज रोल्स फॉर गेम प्ले प्रोग्रामिंग. जो भी ज्यादातर बड़ी कंपनी जैसे ये गेम लॉफ्ट एंड ये गेम शास्त्र एंड जितनी भी बड़ी बड़ी अच्छी इंडिया की रिकग्नाइज कंपनीज है, उनमें ज्यादातर आउटसोर्सिंग का एंड आर्ट एंड कंटेंट वाला टाइप का काम ज्यादा होता है. एंड तुम डिजिटल में पोर गेम प्ले कोडिंग का रोल है. तो इन माई माइंड द कंपनी, इफ आई वुड वॉन्ट टू वर्क इन अ कंपनी इन इंडिया, आई वुड से सुमो डिजिटल. ग्रेट. एंड आपने मेंशन किया कि आपने 5 साल काम भी किया था, राइट? सो वाज इट लाइक अ गेम डेवलपमेंट जॉब और ये कुछ नॉर्मल दूसरे टाइप का जॉब था? नहीं, जैसे जो मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी ना, तो आई एम फ्रॉम पेक, तो मुझे जो कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी वो एक एनालिस्ट हुई थी, डेटा एनालिस्ट. ओके. एंड इवन दो आई एंजॉयड दैट जॉब एज वेल, बट उसके बाद मुझे हो गया था रियलाइज किया गेमिंग में ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट, लाइक राइट व्हाट द हार्म. तो मैंने उसके बाद बस 2014 के एंड में ही गेमिंग में स्विच कर लिया था, एज एन एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन कर लिया था कंपनी में. उसके बाद से सिंस द लास्ट 4.5 years, 5 years मैं गेम डेवलपमेंट में ही हूँ, किसी और तरीके काम नहीं करा. ग्रेट. और कौन सी कंपनीज में काम किया आपने गेम डेवलपमेंट रिलेटेड? हाँ, तो जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी वो थी मेटा डिजाइन सॉल्यूशंस, जिसको उस टाइम पे उसकी गेमिंग टीम को 19 स्टूडियोज के नाम से जानते थे लोग. एंड फिर उसके बाद मेरी जो सेकंड कंपनी थी वो थी एक्विमो स्पोर्ट्स. दैट वाज लाइक द पिवोटल पॉइंट ऑफ माय करियर. वहां पर मैंने काफी कुछ सीखा, काफी अच्छे रोल्स भी मैंने प्ले करे, काफी कोडिंग, काफी सीनियर से मैंने काफी नॉलेज ली. एंड ये था. उसके बाद एक नोएडा में स्टार्टअप में काम करा मैंने, ब्लू बॉक्स. वहां पर आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट एज द लाइक द टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर. तो इन सब चीजों, ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस हैव एक्चुअली लेड मी टू मेक माई ओन गेम, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस आता है, इतनी स्किल आती है, तो लगता है कि यार अब नाउ यूज दिस फॉर योरसेल्फ, नॉट जस्ट फॉर अदर्स. राइट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट पाथ कि आपने ऐसा चूज किया कि आपने बहुत सारी चीजें सीख ली एंड सीखने के बाद खुद का कुछ करने का स्टार्ट किया. सो अभी आप इंडिपेंडेंट डेवलपर हो, आप लाइक वन मैन शो? और अभी तो वन मैन शो ही हूँ. बट तो मेरा सीन क्या है एक्चुअली, जो मेरा गेम है इन द शैडोज, तो लास्ट ईयर मैंने इसका प्रोटोटाइप बनाया था. एंड like prototype was very raw but the mechanics were clear. So this game was received very well in the community. Like mujhe ye IGDC mein mujhe award mila tha ek, and uske baad ek international award mein mera game nominate hua tha and GDC scholarship hui. So wahan GDC mein jaake specially wahan jaake mujhe wahan logo ka kaam dekh ke, developers ki story jaan ke ki kaise indie developers kaam karte hain, kitna effort wo dalte hain and wo kitna risky khelte hain. Like it's not risky for them. हम लोगों के हम इंडियंस में ऐसा थोड़ा रिस्क वाला फैक्टर होता है. वो पूरा पूरा अपनी सेविंग्स लगा देते हैं, पूरे दो दो तीन तीन साल तक एक ही गेम पे काम करते रहते हैं. एंड लाइक दे डोंट हैव एनी प्लान बीज और एनीथिंग. उनका होता है कि यार ये गेम को काम कराना ही है. वहां जाके मैं मोटिवेट हुआ था एक्चुअली कि यार नहीं, मुझे भी दिस इज द टाइम. मुझे मेरे गेम को अवार्ड मिल गया है, मेरे गेम को रिकग्निशन मिल गया है, कॉन्सेप्ट यूनिक है, पीपल लाइक इट. दिस इज द टाइम वेयर आई शुड गिव ऑल ऑफ माई टाइम एंड एफर्ट टू दिस गेम. तब मैंने जॉब छोड़ा एंड
तब से ये चल रहा है। बढ़िया। सो आपने बोला कि आपने जॉब छोड़ दिया, सो जॉब छोड़ने के बाद अभी देखो, अभी मैं खुद का कंपनी भी चला रहा हूँ एंड मैं जानता हूँ कि ये कितना डिफिकल्ट है ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बेसिस वन प्रोडक्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स, जिससे हम लोग का जो रनिंग कॉस्ट है, जो लोगों की सैलरी वगैरह रहती है, वो सब निकल जाती है। सो आपने सर्वाइव कैसे किया? आपने बोला कि आपने ऑलमोस्ट एक साल हो गया आपको राइट जॉब छोड़े। नहीं नहीं, एक साल नहीं हुआ, चार महीने हुए मुश्किल से। अच्छा, चार महीने। सो आपका सर्वाइवल आप कैसे करते हो, कि आपने क्या इतना ऑलरेडी सेव अप कर लिया कि आपको लगेगा कि यार अभी मैं एक साल के लिए रिस्क ले सकता हूँ, वो भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है, या फिर दूसरा आपका ये भी वे हो सकता है कि पता नहीं आपका क्या वे है, मैं आपको बोलने देता हूँ। हाँ, तो ये जो आप जो सर्विसेज वाला बता रहे हो वो थॉट ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी आया हुआ है, मैंने भी ट्राई करा हुआ है ना, एंड बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अब मेरा क्या, हाँ सेविंग है कि एक साल तक कर सकता हूँ, बट वही है कि वो रिस्क है, वो भी एक, मैं भी एक साल तक करना नहीं चाहूंगा विदाउट एनी इनकम और एनीथिंग, राइट? सही बात है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपना जो भी अगला अपकमिंग प्लान सोच रखा है दैट रिवॉल्व्स अराउंड माय इन द शैडोज गेम, उसमें क्या है, आई विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द गेम एंड साइड बाय साइड आई विल फाइंड अ गुड पब्लिशर फॉर द गेम, एंड अगर कोई अच्छा पब्लिशर नहीं मिल रहा है दैट कैन इन्वेस्ट इन माय गेम एंड पब्लिश, हेल्प मी पब्लिश इट, तो भी मैं आई विल ट्राई टू सेल्फ पब्लिश इट एंड लाइक स्लोली एंड स्लोली आई विल बिल्ड माय ओन थिंग, राइट? कि मैं अपने और भी गेम छोटा छोटा काम करूं एंड लाइक अब इन द शैडो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइक इसमें अभी 5-6 महीने और लगेंगे आराम से, क्योंकि ये काफी इसमें कंटेंट काफी चाहिए। तो अब 5-6 महीने तो आई नो कि 5-6 महीने तो मैं ऐसे ही चला नहीं सकता हूँ, चला सकता हूँ बट थोड़ा रिस्की है। तो उसके साथ मुझे वही ये जो मैंने बताया आपको, या फिर मैं पब्लिशर ढूंढ रहा हूँ एंड पब्लिशर्स हैव बीन इंटरेस्टेड इन माय गेम, थोड़ा ऐसे ग्रेजुअली बिल्डअप होता रहेगा एंड साइड बाय साइड मैं अपने और भी थोड़े मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करूंगा दैट कैन होपफुली गेट मी सम लिविंग। बढ़िया है, बढ़िया। हमारे चैनल पे हमने एक और चिराग चोपड़ा को भी इंटरव्यू किया था, और चिराग चोपड़ा ऑफ लूसिड लैब्स, उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद पब्लिशर्स एंड आई होप यू नो आपको भी अच्छे पब्लिशर मिल जाए। आई थिंक चिराग अभी नूडल केक स्टूडियोज के साथ काम कर रहे हैं। I know, चिराग से मेरी मैं मिला हूं, मुझे काफी सही बंदे लगे। या चिराग आप आई थिंक आपके एरिया में के अराउंड रहते हैं, गुड़गांव दिल्ली शायद। लास्ट मंथ यूनिटी का एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, सो आई मेट हिम, सो लाइक ही इज अ वेरी पैशनेट डिजाइनर एंड ऑल एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरे गेम में मुझे डिजाइन की काफी हेल्प चाहिए होती है, तो समटाइम्स आई टर्न अप टू हिम कि यार मुझे थोड़ी एडवाइस दे दो एंड इस तरह से थोड़ा सा। तो आई नो ये जो कम्युनिटी थोड़ी बिल्ड हो रही है दिल्ली में भी फाइनली, वेरी गुड। आई थिंक वही एक खूबसूरती है ये अपनी इंडस्ट्री की, इंडिया में स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि यू नो हम लोग एक दूसरे को काफी, एटलीस्ट द इंडीज लाइक जो छोटे छोटे डेवलपर्स है वो एक दूसरे को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो हम लोग जैसे लोग काफी मीटअप्स रखते हैं, बड़े कंपनीज का पता नहीं बट एटलीस्ट छोटे लेवल पे हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं इस सिनेरियो को और बड़ा करने के लिए। सो आपके क्या थॉट्स है ये इंडियन इंडी गेम सिनेरियो के ऊपर? तो हाँ, मतलब आई एम सो ग्लैड कि मैंने बिल्कुल सही टाइम पे एक्चुअली थोड़ा इंडी में टर्न हुआ हूँ, बिकॉज इसी ईयर से आई लाइक सिंस द लास्ट ईयर आई हैव बीन सीइंग वेरी लाइक एवोल्यूशन इवॉल्व सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड थोड़ा सा एवोल्यूशन हो रहा है इस इंडी गेम सीन का इन इंडिया, क्योंकि अब इवेंट्स हो रहे हैं, मीटअप्स हो रहे हैं, लाइक थोड़ा अभी भी कम है देखा जाए तो इससे काफी ज्यादा हो सकते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट दिल्ली में तो और भी कम है लाइक कम्पेयर टू हैदराबाद, पुणे, मुंबई, वहां से तो काफी कम है दिल्ली में, बट आई एम ग्लैड कि अब थोड़ा सा यूनिटी भी इनिशिएटिव ले रहे हैं एंड चिराग चोपड़ा जैसे लोग भी थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं कि चल ठीक है थोड़ा कम्युनिटी बनाए एंड हमें चाहिए भी थोड़ा, इंडिया में काफी चाहिए क्योंकि काफी हेल्प की जरूरत है, लाइक मुझे खुद को भी हेल्प की बहुत जरूरत है, मेरा इतना बड़ा सा गेम है एंड मैं आई एम अ सोलो डेवलपर एंड आई फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एवरी डे, लॉट ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस, आई हैव बीन फेसिंग दीस चैलेंजेस सिंस द डे आई स्टार्टेड मेकिंग अ प्रोटोटाइप, तो मुझे हेल्प जरूरत है, अभी तो कैसे कैसे करके मैं सर्वाइव कर लिया हूँ सोलो, बट आई एम प्रीटी श्योर मुझे अब थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा रीच आउट करना पड़ेगा टू हेल्प पीपल एंड टू आस्क फॉर हेल्प। ऑसम। एंड इन टर्म्स ऑफ सोलो डेवलपमेंट, एक चीज होता है कि आप एज अ सोलो डेवलपर आप सारी की सारी चीजें खुद से बनाओगे इंक्लूडिंग आर्ट प्रोग्रामिंग एंड अदर थिंग कि आप थोड़ा पार्ट खुद बनाओगे बट बाकी का जो चीज है वो लेट से लाइक एसेट स्टोर से हम खरीदेंगे या फिर किसी फ्रीलांसर को पकड़ेंगे, जो आपने वो वर्कफ्लो कैसे मैनेज किया, क्या आपने पूरा का पूरा स्क्रैच से खुद का एसेट्स है
या फिर आपने कुछ चीजें ऐसी की है? तो जो प्रोटोटाइप बनाया था मैंने, तो हाँ. वो एग्जैक्टली जैसे आपने बोला ना कि एसेट स्टोर से उठा उठा के, है ना. हाँ. तो मतलब वही जो जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन करा था कि एक डिजाइन सेंस होना चाहिए डेवलपर के पास. हाँ. मतलब इफ यू आर अ कोडर यू डोंट जस्ट हैव टू कोड, तुम्हें थोड़ा डिजाइन सेंस होना चाहिए कि चीजों को अच्छा कैसे दिखाना है. तो मतलब अब ऑब्वियसली अब आर्ट स्किल्स है नहीं मेरे में, आई कैन डू फोटोशॉप एंड ऑल बट आई कैन नॉट क्रिएट 3D मॉडल्स एंड स्टफ, आई कैन नॉट क्रिएट एनिमेशंस. तो वो नेट से ढूंढो, एसेट स्टोर पे ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा. वो बनाया, फिर जो प्रोटोटाइप अच्छा हुआ उसको अवार्ड मिला, फिर मैं को एक फ्रीलांसर भी मिले सिद्धार्थ छरी नाम का, उन्होंने उसने मेरी हेल्प करी, उसने मेरे को मॉडल मॉडल बनाया, मैंने जो अभी जो आपको लुक दिख रही है उसके मॉडल उसने बनाए. बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक बीइंग अ सोलो डेव, लुक कैसी होनी चाहिए, उसकी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसा एनवायरमेंट आना चाहिए, कैसी वाइब होनी चाहिए गेम की, उस पर तुम्हें ही कंट्रोल रखना पड़ेगा अगर सोलो डेव हो तो. एब्सोल्युटली. एंड आपके अभी इसके साथ मार्केटिंग प्लान्स क्या है, लाइक अगर आप अगर कोई गेम बनाता है सो आपकी क्या रहेगी राय रहेगी कि लेट्स से अभी किसी बंदे ने गेम बना दिया, दूसरा चैलेंज अभी रहता है कि यार अभी इसको मार्केट कैसे करें. और एक और चीज रहती है इसके इसी में एडअप करने की कि देखो आपने तो शोकेस कर दिया बट यू नो आपने पूरा गेम का कॉन्सेप्ट आइडिया वगैरह बता दी, पूरे मार्केट में डाल दी. बट देयर आर सर्टेन पीपल, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं यार मैं गेम बनाते जाऊंगा बट एंड तक दिखाऊंगा नहीं. उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका आइडिया चोरी कर लेगा. सो आपका उसमें क्या थॉट्स है? इनफैक्ट मेरे गेम में तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था बहुत टाइम तक, क्योंकि इतना यूनिक कॉन्सेप्ट था तो मुझे तो काफी स्टार्टिंग में काफी डर लगता था कि कोई चुरा लेगा. बट मेरा केस चलो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आई वॉज रिकग्नाइज बाई अवार्ड्स एंड ऑल एंड आई नो, उससे थोड़ा मेरे को भी थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, थोड़ा ईजी हो गया मेरे लिए कि मैं हाथ दिखा सकता. बट बाकी डेवलपर्स के लिए ये होता है कि एक तो रिसर्च करना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या प्लान्स होते हैं. टू बी ऑनेस्ट आई एम ऑल्सो नॉट वेरी कम्फर्टेबल इन इट, आई नो हाउ टू डू इट एंड आई नो वट स्टेप्स डू आई नीड टू डू टू गेट द गेम टू दैट लेवल, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल, इसलिए मैं पब्लिशर भी ढूंढ रहा हूँ. तो अगर कोई भी डेवलपर स्टार्ट कर रहा है तो उसको ही शुड बी अवेयर कि क्या क्या करना चाहिए एंड साइड बाई साइड गेम बनाते रहो, साइड बाई साइड छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो कि बाकी डेवलपर्स क्या करते हैं मार्केटिंग करने के लिए. And keep your options open. तुम publisher को भी approach कर सकते हो, तुम self publish भी कर सकते हो, तुम और अपने अपने या तुम एक game बना के बना सकते हो and तुम्हारे तुम अपनी around एक team assemble कर सकते हो and that team can help you get that game to the market. Like ये तीन options हैं मेरे दिमाग में. तो अभी तो I have chosen this publisher way and maybe self publish as well. बढ़िया बढ़िया. I think the takeaway from this is focus on your strengths. आपको आप जिस चीज में best हो उसके ऊपर सबसे ज्यादा effort डालो, बाकी सारी चीजों के लिए either hire people or you know just give it to someone who is the best at it. So be the best and give the rest to the best in their field, right? हाँ, मतलब कि अपने अपने स्किल पे इतना ट्रस्ट करो कि तुम जो बनाओगे वो इतना अच्छा होगा कि people will like it and they would want to help you out. Amazing. Great, great Nakul. I think some really valuable tips and बहुत मजा आया बात करके. Finally इसको wrap up करेंगे but इसके पहले मैं आपको आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका कोई मैसेज रहेगा लोगों के लिए आपके गेम के सपोर्ट करने के लिए, अगर लेट्स से आपका कोई डोनेशन वगैरह पेज है आपने बनाया है. सो एनी लाइक लास्ट प्लग फ्रॉम योर साइड फॉर योर गेम, फॉर गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक. हाँ, तो लाइक फॉर माय गेम आई विश कि मुझे और थोड़े से लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिले, लाइक यू गाइस कैन सी कि क्या गेम है मेरा एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद पीपल जो मेरी हेल्प करते हैं इस गेम में, हु वांट टू वर्क विद मी. एंड बीइंग अ सोलो डेव इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ big scale project like that and to is game ko support bhi chahiye, it's an upcoming game, mujhe banana hai isko, kafi complete karna hai, kafi zyada challenges hai isme and main chahta hu ki jo indie community hai wo kafi achhi grow ho, ki I can help, I can ask people for help, we can meet up and all that. To wo thoda sa jo community hai, I wish for that to grow more in India. Ye scene hai. And the message to the developers is ki like get out of your shell. सब कुछ इतना इजी नहीं होता है, कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा सा जैसे जॉब छोड़ना, चलो ठीक है बहुत रिस्क हो गया, बट तुम ये भी कर सकते हो कि तुम ऐसा जॉब ढूंढो जिसमें तुम्हें अच्छा सीखने को मिल रहा है, नॉट जस्ट फॉर द पे और नॉट जस्ट फॉर द कंपनी ब्रांड. तुम अच्छे गेम बनाओ, ऐसी जॉब ढूंढो जहाँ पर तुम्हें अच्छे गेम बनाने का मौका मिल रहा है, व्हाट यू लाइक एंड नॉट जस्ट लाइक व्हाट यू आर गेटिंग. तो मैं थोड़ा सा शेल से बाहर निकलो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दैट इज व्हाट आई वुड से. बढ़िया. Awesome, Nakul. Yes. It was really nice talking to you. And thank you very much for the channel. Main agree karne ke liye, interview ke liye. And I sure, hope sure. aapko ek game,
एंड आई होप आपके गेम को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले एंड जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है लोग देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे. एंड दोस्तों देखो नकुल की स्टोरी के ऊपर आप अपने कमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. नकुल के सोशल मीडिया हैंडल्स सारे के सारे, उसके गेम के रिलेटेड हैंडल्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए, आपको उसकी गेम की आइडिया मिल जाएगी. एंड नकुल को सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो. एंड थैंक यू वेरी मच, 2500 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट होने आए हैं अपने, सो उसके लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ. मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ. इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.